नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों इंडेक्स की हम एनालिसिस करेंगे आज और देखेंगे कि कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कल के एक्सपायरी सेशन के लिए। तो फाइनली देखिए, आज जो हमने देखा, पहले हम बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए, अगेन हमको जो है एक ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि हमने लास्ट डे हमने प्लान जो किया था कि अगर ये 31,000 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो इसमें जो है एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। फाइनली देखिए, आज इसने जो है 31,000 के नीचे क्लोजिंग दी और आज जो हमने यहाँ पर लो लगाया वो 30,165 के आसपास लगाया। आज जो हमारा हाई था वो 31,278 के आसपास था। तो कह सकते हैं कि मतलब बैंक निफ्टी में ये जो मूव हुई है, ये 1,000 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर हमको आज मूव देखने को मिली है। तो फाइनली देखा जाए कि तो आज यहाँ पर बहुत आसान दिन था ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत सिंपल दिन था, क्योंकि देखिए मार्केट जो है सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पर चली है। एक के बाद एक नीचे के सपोर्ट ब्रेक होते चले गए और यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने को हमको मिलती रही। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट के चार्ट में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट कर दिया था। आप लोगों ने देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको एक इस तरह का मैंने ये पैटर्न बनाकर आपको, जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, मीन्स यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था उसी टाइम मैंने आपको पोस्ट कर दिया था। देखिए मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई थी, अब मैं दोनों चीज़ों की मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन अब ऊपर से लिया था, ये जो ट्रेंड लाइन था, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ऊपर से पकड़ा था और एक ट्रेंड ये एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तभी हमको बाइंग साइड जाना है, अदरवाइज बाइंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के पास जो है बार बार जाकर यहाँ पर रजिस्ट हो रहा है, रजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ बार बार आ रहा था। तो फाइनली देखिए इस बार भी जो ऊपर जाने की कोशिश किया पर फाइनली इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए रजिस्टेंस लेकर अगेन जो है नीचे की तरफ आ गया। अब दूसरा देखिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको अपना टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था और एक एरो नीचे की तरफ का दिया था, एक एरो ऊपर की तरफ का दिया था। ऊपर की तरफ का एरो का देखिए जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता तभी हमको जाना था, अदरवाइज देखिए हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब देखो हमको नीचे की साइड की हमको अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पर जब ये लेवल ब्रेक हुआ, अब देखिए ये जो लेवल था ये 31,000 के आसपास का था, मीन्स कह सकते हैं 30,980 के आसपास। तो 30,980 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद तो देखिए मार्केट में कंटिन्यू हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए अभी कल के सेशन में क्या करना है, किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कल एक्सपायरी डे है तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू जारी है, किस तरह से हमको ट्रेड करना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कल यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड मिल सकते हैं या फिर कौन से सपोर्ट काम कर सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फाइनली यहाँ पर अब हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कल के सेशन के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है ये कल बैंक निफ्टी की मूव यहाँ पर डिसाइड करेगी कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। देखिए अब हमको यहाँ पर मैं आपको तीन सिनेरियो बताता हूँ, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग। तो इन तीनों सिनेरियो में किस तरह से हमको ट्रेड करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जो हमने क्लोजिंग दी है वो 30,300 के आसपास है। अब हमारे पास जो अगला हर्डल हमको मिलने वाला है वो ये सेम ट्रेंड लाइन है। तो जब ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने पर ही हमको बाइंग करनी है, अदरवाइज देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है, बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है। सो यहाँ पर अभी आपको सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं बना, बाइंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना है और जिस तरफ का ट्रेंड है उसी ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मे बी यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद रेंज बनाए लाइक दिस, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से रेंज बने, ये रेंज बने, रेंज बनने के बाद फाइनली देखिए यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हो तो वहाँ पर आप एक छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं। टारगेट आपका मे बी देखिए 100 से 150 पॉइंट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा टारगेट देखिए मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल बता देता हूँ, लॉजिकल बता देता हूँ कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आकर अगेन हर्डल होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ से एक बार इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पर कहीं अगर आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कैंडल बड़ी बन जाती है तो यहाँ पर हमारे टारगेट के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगी। सो हमको जो है यहाँ पर ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, देखकर ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए फ्लैट ओपनिंग की बात अब मैं दूसरी आपको बताता हूँ कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद मे बी अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो वो एक बेस्ट सिनेरियो होगा ट्रेड करने के लिए। देखिए सेल साइड के ट्रेड आपको जो है मतलब यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने हैं रेदर देन बाइंग साइड के ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 30,170 का लेवल कल फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमारा 30,150 और 29,980 का होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर कोई हमको बेयरिश साइन मिलता है तो यहाँ पर जाकर देखिए हम यहाँ पर 30,700 की या 30,800 की हम यहाँ पर कॉल राइटिंग कर सकते हैं। देखिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए देखिए यहाँ पर मे बी मार्केट शायद क्योंकि आज यहाँ पर मूव बहुत ज़बरदस्त हो गई है क्योंकि सो यहाँ पर हमको ऐसी उम्मीद है कि शायद कल मार्केट
साइडवेज हो जाए, बट मार्केट अभी ट्रेंडिंग दिख रही है तो साइडवेज होने नहीं चाहिए। बट अगर देखिए, क्योंकि हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं एक्सपायरी डे के दिन, और मोस्टली ज़्यादा दिन ऑप्शन राइटिंग की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑप्शन बाइंग की तरफ कम ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम जो है जल्दी डिके होते हैं। दूसरे देखिए, यहाँ पर वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सो सबसे बेटर सिनेरियो रहेगा कि अगर आप 2-4 दिन ट्रेड ना करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स में आपको वॉलिटिलिटी वहाँ पर आपको साफ दिखाई देगी। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में अगर यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिलता है या कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर कोई सेलिंग की, या कोई आपको हैमर कैंडल मिले या एंगल्फिंग मिले, तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड बनाइए। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से सेल का ट्रेड यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो दूसरा देखिए, अब गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। गैप डाउन ओपनिंग में देखिए, जैसा मैंने आपको कल को बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग के आज के बारे में मैंने जो बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग के बारे में मैंने क्लियर बताया था कि आपको पहले 5 मिनट की कैंडल को आपको पहले देखना है। 5 मिनट की कैंडल को देखिए, उसके बाद लो के नीचे आप ब्रेक सेल कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइस एक्शन बनने दीजिए, प्राइस एक्शन का वेट करके वहाँ पर ट्रेडिंग करिए। दूसरा देखिए, बाइंग के सिनेरियो में आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए हर्डल है, ये हर्डल देखिए 31,100 के लेवल के आसपास है। अगर यहाँ पर देखिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, तो अगला टारगेट हमारा जो होगा वो 31,100 के आसपास होगा। सो देखिए, अब मैं आपको दो बाइंग के लेवल और सेलिंग के लेवल मैंने दोनों बता दिए हैं। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सेलिंग का लेवल हमारे ये होगा, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको जाकर मिलता है गैप अप ओपनिंग में तो हम यहां पर सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेवल के आसपास 31,100 का लेवल ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग का लेवल होगा। जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये 31,100 के आसपास आपको कोई एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, कोई डोजी मिलती है, कोई भी मतलब आपको बियरिश कैंडल मिलती है, तो यहाँ पर आप जो है सेल का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा, आप डाटा एनालिसिस करके देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको सेलिंग के ट्रेड, मतलब किसी भी ट्रेड को कंफर्म करने के लिए अगर आप डाटा एनालिसिस करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के, निफ्टी में, और निफ्टी में देखेंगे किस तरह से आज ट्रेडिंग हुई। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, आगे हम निफ्टी के चार्ट में, तो निफ्टी के चार्ट में देखिए, अच्छा मैं आपको लोगों के निफ्टी बैंक के निफ्टी में क्लियर टारगेट बताना भूल गया था। चलिए मैं यहाँ पर वनडे का चार्ट लगा लेता हूँ और वनडे के चार्ट में आपको लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था जो फाइनली आज के लिए लास्ट ये होप था, तो अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, तो मे भी देखिए शायद ये ट्रेंड लाइन अब काम कर जाए, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस बैक हो जाए, शायद ऐसी उम्मीद है। अगर ये ट्रेंड लाइन काम कर गई तो यहाँ से बाउंस बैक होना पॉसिबल है, अदरवाइज देखिए यहाँ पर अगर ये लेवल आज का लो ब्रेक होगा, 31,165 का लेवल ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पर क्लियर कट 30,000 का लेवल देखेंगे। अगर 30,000 का भी लेवल ब्रेक होगा तो फाइनल टारगेट हमारा 29,000 का है। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, तो निफ्टी के चार्ट में फाइनली देखिए, यहाँ पर कल हमने जो एनालिसिस करके आपको मैंने बताई थी, तो यहाँ पर ऐसी उम्मीद थी कि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर बाउंस बैक हो रहा था, तो यहाँ से बाउंस बैक की हमने उम्मीद जताई थी कि मे बी यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बन जाए या कोई हैमर कैंडल बने, सो यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। बट यहाँ पर मार्केट में गिरावट ज़्यादा है, मार्केट में मंदी ज़्यादा है, मार्केट में जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, वीकनेस आ चुकी है, सो यहाँ पर इसलिए आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुई है और नीचे की तरफ कंटिन्यू मूव की है। अब देखिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, देखेंगे किस तरह से हम लोग को कल के लिए तैयारी करनी है। अब यहां पर देखिए मैं आ गया हूं 15 मिनट के चार्ट में, अपने ट्रेंड लाइन में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये ट्रेंड लाइन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैं ये ट्रेंड लाइन जो पहले ड्रॉ है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को हम यहां पर नहीं ऊपर की तरफ ब्रेक करते तब तक ऊपर की तरफ का कोई चांस नहीं है फिलहाल बाइंग के साइड के लिए। अब यहां पर मैं एक छोटी ट्रेंड लाइन और यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये छोटी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। सो अब ये एक देखिए, इसको हम बोलते हैं सब ट्रेंड लाइन, ये है हमारी मेजर ट्रेंड लाइन और ये है हमारी सब ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर देखिए, अगर कल 14,050 के ऊपर, सॉरी 14,020 के ऊपर अगर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो मे बी हम ये अगला ट्रेंड लाइन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो तीनों सुन लीजिए, फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बननी जरूरी है। यहाँ पर जब तक रेंज नहीं बनेगी तब तक यहाँ को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का सिस्टम यहाँ पर जो है लागू नहीं होगा। सो यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस रेंज के अंदर ट्रेड करिए, ट्रेड करने के बाद फाइनली अगर ऊपर की तरफ 14,020 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। बाइंग के लिए देखिए जो हमारा टारगेट होगा, सबसे पहले हमको ये ट्रेंड लाइन फेस करना पड़ेगा, तो ट्रेंड लाइन के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 14,230 के आसपास का होगा। तो ये हमको देखिए फ्लैट ओपनिंग करना है। अब गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग में सेम देखिए, जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर सॉरी निफ्टी में यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पर 14,110 और यहाँ पर दूसरा जो है 14,230, ये दो हमारे सेलिंग जोन है, या 14,230 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर आप 14,250 की कॉल राइट कर सकते हैं, 14,110 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर 14,100 की कॉल राइट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेम हमको प्राइस एक्शन के लिए ही जाना है। मैं चार्ट यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का लगा लेता हूँ, 1 आवर का चार्ट लगा, फिर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अगले सपोर्ट कौन से हैं। तो फाइनली देखिए, अब हम यहां पर आ गए हैं 1 घंटे के चार्ट में।
अब देखिए हम यहाँ पर हमारे लिए जो अगला सपोर्ट जो है वो अगला सपोर्ट हमारे पास है वो 13,750 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली जो आज का हमारे पास जो लो लगा हुआ है वो लो लगा है 13,929 का। तो कल अगर हम 13,920 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो कल का जो हमारा टारगेट होगा 13,850, 13,800 और 13,750 के आसपास होगा। तो नज़र बनाकर रखिएगा, अभी जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक जो है यहाँ पर बाइंग के लिए मत जाइए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगर बाइंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको टारगेट छोटे होने चाहिए, बहुत जाए बड़े टारगेट के लिए मत जाइए। अगर आप सेलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप कंटिन्यू देखिए लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ देख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स है वो किस तरह से ट्रेड कल की तैयारी हमने किस तरह से करनी वो देख लेते हैं। एक्सिस बैंक देखिए, देखिए एक्सिस बैंक को मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा जो है हमारे पास ये जो रजिस्टर था वो अब सपोर्ट बना हुआ है। तो फाइनली देखिए इसने अब जो है ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है, 625 रुपए के नीचे ही निकलता है तो कल हम यहां पर देखिए 615 और यहां पर 590 रुपए के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने देखिए ऑलरेडी यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था, तो अब देखिए यहां पर अभी जो है यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, मंडे का लो, जो मंडे का लो यहाँ पर लगा हुआ था उसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये 301 का लो था। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब तक 300 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक अभी हमको यहाँ पर सेल के लिए नहीं जाना। 300 नीचे की क्लोजिंग जो है इसको देखिए 280 के आसपास तक लेके आ सकती है, तो बंधन बैंक पर नज़र बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए HDFC बैंक ही एक ऐसा स्टॉक था जो आज बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा नीचे लेकर गया, क्योंकि देखिए जो स्टॉक है वो उनकी वेटेज तय है बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटेक बैंक, इन सबकी वेटेज जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। तो फाइनली जो सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अब फाइनली देखिए इसने जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, नीचे की तरफ भी क्लोजिंग आ चुकी है। अब 1400 के नीचे की क्लोजिंग का वेट करना है यहाँ पर, 1400 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ पर 1350 का लेवल अगेन देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो अगेन हम जो है इसी रेंज में आ जाएंगे जिस रेंज से हमने ब्रेकआउट करके बाहर की तरफ निकले थे, बट अगेन अब हम सेम अगेन उसी रेंज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इस रेंज का जो लो है वो 1350 के आसपास है, सो 1350 के आसपास के टारगेट के लिए अगर 1400 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक देखिए कंटिन्यू अपने असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और फाइनली देखिए अभी तक इसने अपना चैनल ब्रेक नहीं किया है। अब ये नीचे की तरफ देखिए अगर 518 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो 500 के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, एक ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन ये हमारी सब ट्रेंड लाइन थी और ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ये हमारी जो थी मेजर ट्रेंड लाइन थी। तो फाइनली यहाँ पर मंडे के सेशन में ही ये जो ब्रेकआउट हो गया था रेड कलर की ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर मैंने क्लियर कट आपको 840 के नीचे सेलिंग के लिए बताया था और देखिए यहाँ पर जो टारगेट मैंने वो बताया था ये 820 के आसपास का बताया था। तो यहाँ पर देखिए 806 का लो लग चुका है, एक बार यहाँ पर अब अलर्ट होने की जरूरत है। मे भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास से पहले ही बाउंस बैक हुआ है, सो यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो इसको इंडसइंड बैंक को भी सेल मत करिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक ने भी देखिए फाइनली यहाँ पर अपना जो है सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर जो सपोर्ट था अपने पास यहाँ पर देखें हम 1810 के आसपास का सपोर्ट था, तो ये मंडे के सेशन में ब्रेक हो चुका था। अब हमको इसके लो के नीचे हमको सेलिंग करनी थी 1775 रुपये के नीचे, तो फाइनली देखिए 1775 के नीचे मैंने सेलिंग के लिए बताया था, टारगेट मैंने 1750 का दिया था, फाइनली यहाँ पर टारगेट जो है 1745 का आ चुका है। कल अगर अगेन ये 1745 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो टारगेट देखेंगे वो 1720 का देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा RBL बैंक। RBL बैंक की तरफ चलते हैं। RBL बैंक थोड़ा सा नेट इशू है, चलिए हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं SBI। तो मेरे ख्याल थोड़ा नेट का इशू आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ चल गया नेट SBI। तो चलिए SBI की यहाँ पर हमने देखी अब ये कंटी बिल्कुल अपने जो है नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है बिल्कुल उसी के आसपास आकर इसने जो है आज क्लोजिंग दी है। मीन्स देखिए लो तो इसने जो लगाया है 273 का लगाया है, बट यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है अपनी यहाँ पर वो क्लोजिंग आई है 275.65 पर। इंडसइंड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दो ऐसे स्टॉक होंगे जिनको अभी आपको सेलिंग के लिए फोकस नहीं करना है एक्सपायरी डे में, बिकॉज देखिए ये दोनों स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, मे भी यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, बट अगर ये लेवल ब्रेक होंगे तो कल का हमको वेट करना है। कल अगर यहां पर लेवल ब्रेक करता है तो परसों हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन दोनों बैंकों को सेल करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक और स्टेट बैंक और इंडसइंड बैंक का स्टॉक, इन दोनों स्टॉक को है सेल करने के लिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।